Bismillah ar-Rahman ar Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 28 of computer architecture course. In last class, we continued our discussion on memories. We saw the performance considerations of the cache and we started with the virtual memories. Performance considerations may humne seen uh, hit or miss ke case mein. हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है बेसिकली जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ मेयर्ड बाई द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड जो फैच करने की जो टाइम है कि हाउ फास्ट वी कैन ब्रिंग दैट डाटा और इंस्ट्रक्शन इन टू द प्रोसेसर तो कैश जो है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म कि हम डाटा को As fast as we can processor, but obviously, there are some limitations, there are some issues. For example, ideally, every data that is required should be in cache, but that cannot happen because cache may limited space and our programs are relatively bigger than the cache. So, we can have मिस ऑपरेशन यानी जिसे कहते हैं कि uh, हम डाटा रिक्वायर करेंगे और वी विल नॉट बी एबल टू गेट इट फ्राम द कैश इस मीन के वी हैव अ रीड मिस रीड मिस के केस में ऑब्वियसली वी विल हैव टू ब्रिंग दैट ब्लॉक जिसमें कि वो रिक्वायर्ड डाटा है फ्राम द मेमरी टू द कैश और इट विल टेक समाइम विच इज़ रिगार्डिड एज मिस पेनल्टी कि कितना टाइम वहाँ पे लगेगा उसे एंड सिमिलरली वी टॉक अबाउट हिट रेट एंड मिस रेट और हमने देखा कि जो रिकमेंडेड मिस हिट रेट है हमने देखा कि जो रिकमेंडेड हिट रेट है दैट इज़ ग्रेटर देन 90 परसेंट यानी नाइन मोर देन नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स आपको हिट करना चाहिए और जो मिस हो उसमें भी आपकी जो पेनल्टी है दैट शुड बी मिनिमम यानी मिस के केस में जब आपने डाटा को लाना है तो इट शुड बी मिनिमम इट शुड टेक मिनिमम टाइम तो हम इनको इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं वी ट्राई टू मेक बिगर ब्लॉक साइजेस लेकिन ब्लॉक साइज को हम इतना बड़ा नहीं बना सकते कि हम उसका कुछ हिस्सा यूज़ करें और मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्ट इज़ नॉट यूज एट ऑल और फिर हमें बार बार इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी पड़े बिटवीन कैश एंड मेन मेमोरी विच विल ऑबियसली स्लो डाउन द सिस्टम या हम ब्लॉक साइज को इतना छोटा बना दें कि हम हमें बहुत ज़्यादा एक्सेस करनी पड़े फ्रॉ uh, यानी मेमोरी एक्सेस जो हैं वो हमारी बढ़ जाएँ दैट विल ऑल्सो डिग्रेड

डाटा को रीड करने की इट मीन्स कि दैट डाटा जो है वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और आ, हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम पूरे ब्लॉक को आ, वेट करें कि पूरा ब्लॉक जो है जब तक कॉपी हो जाए हमें जब वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए वी सेंड इट टू द प्रोसेसर डायरेक्टली और जो ब्लॉक है वो कॉपी होता रहे इन मीन टाइम इन द कैश विच विल ऑब्वियसली स्पीड अप अ लिटल बिट इन केस ऑफ राइट राइटिंग में हमें चूंकि हमने सीखा कि इसमें दो तरह की स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं uh, एक राइट बैक है और एक राइट थ्रू है तो राइट थ्रू के, के केस में uh, और राइट बैक के, के केस में वी कैन यूज बफर्स कि जब हम लिखें तो हम डायरेक्टली बफर में लिख दें इधर फ्राम प्रोसेसर और फ्राम द कैश जिस केस में भी हमें अगर फॉर एग्जाम्पल राइट बैक है तो वी हैव टू राइट इट फ्राम द कैश और अगर इट्स राइट थ्रू तो फ्राम द प्रोसेसर डायरेक्टली वी कैन राइट इन टू द बफर और बफर से वी कैन कॉपी इट इन टू द मेमोरी लेटर प्रोसेसर जो है दैट कीप्स ऑन वर्किंग उसे मेमोरी फंक्शन कंप्लीशन की जरूरत नहीं रहेगी तो दिस वे वी कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बाय इम्प्रूविंग बेसिकली हिट रेट एंड रिड्यूसिंग मिस पेनल्टी देन वी स्टार्टेड वर्चुअल मेमोरीज वर्चुअल मेमोरीज़ यूज द सेम कॉन्सेप्ट एज द कैश मेमोरीज कैश मेमोरीज जो हैं दे ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन कैश सॉरी दोबारा से कर रहा हूं जो कैश मेमोरीज़ हैं दे ब्रिज गैप बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी जो वर्चुअल मेमोरी है दे विल ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज एंड द मेन मेमोरी रैम के दरम्यान जो स्पीड गैप है उसको कैडर uh, करेंगे और इसके अलावा उसकी स्पेस का एडवांटेज हम ले सकेंगे एंड उसकी नॉन वोलाटाइल होने की जो कैपेबिलिटी है दैट आल्सो विल बी टेकन फ्रॉम दिस हार्ड डिस्क हमने ये देखा कि एक कंप्यूटर जो है एक प्रोसेसर जो है इफ इट इज अ 32 बिट यानी ये 32 बिट एड्रेसेस जनरेट करता है तो इट कैन एड्रेस फोर

जो डाटा है जो रिक्वायर्ड है उसी तरह से जैसे हम रैम से कैश में भी करते थे इट कैन बी ट्रांस ट्रांसफर्ड फ्राम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी और अदरवाइज जब जैसा कि हमें जरूरत हो हमने ये भी देखा कि एक कंप्यूटर जो है एक प्रोसेसर जो है वो मेमोरी में क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है इन विच वी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तो ऑबियसली होना चाहिए जिस जिसको कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं देन वी शुड हैव द मेमोरी जो डायनामिकली हमको एलोकेट करते हैं एनी प्रोसेस मेमोरी एनी ग्लोबल वेरिएबल्स डी एल एल्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, एंड देर आर फ्यू थिंग्स जो कि हमने इन लास्ट क्लास वीसा कि ये चीज़ें मेमोरी में होनी चाहिए हैं. तो उसके लिए तो वी नीड ह्यूज स्पेस हमारे जो प्रोग्राम्स हैं दे आर इट्सल्फ वेरी बिग ह्यूज प्रोग्राम्स हैं आजकल उसकी रैम में फिट नहीं आ सकते तो हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट इट इज इट हैज सिमिलर कॉन्सेप्ट एज कैश बट इसका जो मेजर uh, इंप्लीमेंटेशन है दैट इज इन सॉफ्टवेयर कैश इज़ इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर तो ये सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली ये काम करता है प्रोसेसर को ये नहीं पता कि मेरे पास मेमोरी कितनी है वो यही अस्यूम करता है कि आई हैव 32 बिट मेमोरी ज़ीरो से लेके आल वंस ऑल 32 टू वंस जो हैं अगर मेरे पास लिखे हों तो आई कैन एड्रेस लोकेशन्स इट्स दिवस सिस्टम हो डज़ नाट लेट फील दैट प्रोसेसर के आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है सो इट क्रिएट्स एन इल्यूजन कि आपके पास इतनी मेमोरी मौजूद है यू डू वट एवर यू वांट टू डू विद दिस मेमोरी बट हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डज दिस दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन आज हम बेसिकली देखेंगे कि वर्चुअल मेमोरीज जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं हाउ एड्रेसेस आर ट्रांसलेटेड क्योंकि एड्रेस अगर जनरेट हो रहे हैं तो वो दैट आर नॉट ऑफ दैट होल स्पेस जो कि हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल है तो उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं हाउ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्स प्लेस फिजिकल मेमोरी नॉट एज लार्ज एज एड्रेस स्पेस स्पेंड बाय द प्रोसेसर यानी जितनी स्पेस वो एक्सेस कर सकता है उतनी हो सकता है हमारे पास फिजिकल मेमोरी ना हो जैसा कि आजकल प्रोसेसर जो हैं दे आर सिक्सटी फोर बिट हम जो इंटेल कोर टू डो है या कोर आई फाइव आई थ्री जो प्रोसेसर्स हैं दे एक्चुअली यूज़ सिक्सटी फोर बिट और इफ़ यू हैव सीन विंडोज सेवन तो विंडोज सेवन जो है दैट हैज टू वर्जन एक थर्टी टू बिट है और एक थर्टी एक सिक्सटी फोर बिट वर्जन है तो इट विल हैव एक्चुअली टूरिस्ट फॉर सिक्सटी फोर एड्रेसेबल लोकेशंस विच विल भी लाइक वन पॉइंट एट इन टू टॉर नाइनटीन समथिंग इतनी एडेस्ट स्पेसिस चाहिए होंगी उसके लिए विच इज ह्यूज और हम तो अगर देखें तो वन टू फोर एट गेगा बाइट्स तक की रैम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं सो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दिस स्पेस इट इज आवर मेन डिस्कशन टू डे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नाट इन मेन मेमरी स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क एंड ब्रॉड इन टू मेन मेमरी यूजिंग डी एम एज डीडिड यानी प्रोग्राम का वो पार्ट जो मेन मेमरी में नहीं है लेकिन हार्ड डिस्क में है उसको हम डी एम ए के थ्रू वी कैन ब्रिंग इट इन टू द मेन मेमरी वेन एवर वी नीड इट

जिस लोकेशन को मैं रेफर कर रहा था ये वो नहीं है कोई और फिजिकली कोई और लोकेशन है सो द एड्रेस जनरेटेड बाई द प्रोसेसर आर कॉल्ड वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेस यानी जो प्रोसेसर है वो फॉर uh, एग्जाम्पल uh, अगर मैं हेक्स uh, में लिखूँ तो इस से लेके प्रोसेसर जो है वो नहीं ये ऑल जीरोज़ हैं ये ऑल वन हैं मैंने हेक्साडेसिमल में लिखा है बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट थर्टी वन वन तो दिस इज बेसिकली द एड्रेस दैट विल बी जनरेटेड बाय द प्रोसेसर अगर इसके पास 32 बिट एड्रेस है विच विल मेक दीज एड्रेसेस इनको हम लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेसेस कहेंगे कि वर्चुअली ही थिंक्स कि इसके पास जीरो से एफ तक का सारी स्पेस अवेलेबल है देन देर इज अ स्पेशल यूनिट जिसको कि हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट विच विल बी रेफर्ड एज एम इट ट्रांसलेट्स दिस वर्चुअल एड्रेस इन टू फिजिकल एड्रेस यानी अब हमें कोई ऐसा एक मेकनिज़म चाहिए जो कि इस एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर दे यानी मेमरी के एक्चुअल एड्रेस में कन्वर्ट करे यानी प्रोसेसर ने तो वो एड्रेस जनरेट किया जहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है चीज़ को बट दोज एड्रेस में नॉट बी डैट लोकेशन में नॉट बी एड्रेसेबल यानी हमारे पास तो वन जी लगी हुई है वी कैन एड्रेस फोर जी तो बाकी की जो टू थ्री जी ऑफ इंफॉर्मे जो मेमोरी है दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बट प्रोसेसर विल एक्सेस इट बाय हाउ बाय बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम विल डू दिस फॉर फॉर द प्रोसेसर कि वो उस मेमोरी को ला के फिजिकल मेमोरी में जो वन गीगाबाइट की मेमोरी लगी हुई है उसी में ला के रख देगा एंड देर विल बी ए स्पेशल यूनिट जो कि उस लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा इन टू द फिजिकल एड्रेस कि ये चीज कहाँ पड़ी हुई है और दैट डाटा विल बी एक्सेस्ड दैट प्लेस दैट लोकेशन विल बी एक्सेस्ड सो हाउ दिस हैपन्स विल सी लेट्स सी फर्स्ट के वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइज कैसे की जाती है इ्स बेसिकली वी हैव अ प्रोसेसर प्रोसेसर के साथ वी हैव अ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट प्रोसेसर यहाँ पे वर्चुअल एड्रेसेस जनरेट कर रहा है जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है इट इज़ ट्रांसलेटिंग दोज वर्चुअल एड्रेसेस इन फिजिकल एड्रेसेज जो कि ये मेमोरी में से ट्राई कर रीड रीड करने की ट्राई करता है बट इफ़ दे आर इन कैश तो वो कैश से रीड करेगा और डाटा जो है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन कैश एंड प्रोसेसर सिमिलरली डाटा जो है वो उसमें हमारे पास कैश uh, और मेन मेमोरी में भी एक्सचेंज होता रहेगा फिजिकल एड्रेस कैश जो है वो मेन uh, मेमोरी को भी ट्रांसलेट करेगा क्योंकि मेमोरी से हमने प्रोग्राम uh, या डाटा जो है वो कैश में लाना होता है और मेन मेमोरी से जो हमारा इंटरफेस है विद डिस्क या हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज दैट इज़ थ्रू डी एम ए कंट्रोलर या डी एम ए उसको प्रोवाइड करता है। तो वी हैव डी एम ए लिंक बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज अब हम ये देखते हैं कि एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से होती है एड्रेस के ट्रांसलेशन केस में वट वी डू इज के एड्रेस को जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस एड्रेस जो के लेट से के वी हैव एट बिट एड्रेस इसको मैं दो हिस् समों में तकसीम करता हूं वन इज थ्री और द सेकेंड इज फाइव बिट्स ठीक है यानी आई हैव दीज थ्री बिट्स ओवर हियर एंड फाइव बिट्स ओवर हियर इन द एड्रेस इसका मतलब है कि 8 बिट्स से आई कैन एक्सेस टू फिफ्टी सिक्स लोकेशंस विद थ्री बिट्स आई विल बी एबल टू एक्सेस एट लोकेशंस एंड विद फाइव बिट्स आई विल बी एबल टू एक्सेस थर्टी टू लोकेशंस एंड वी कैन सी के एट मल्टीप्लाइड बाई थर्टी टू विल गिव अस टू फिफ्टी सिक्स सो इट मीन्स के ये टू फिफ्टी सिक्स की जो एड्रेस uh, स्पेस है इसको मैं आठ डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर लिया ठीक है और ये जो आठ डिफरेंट हिस्से हैं इनको मैं कहता हूं कि दीज आर द पेजेस ठीक है ये पेज वन टू तो, थ्री फोर और सेवन और एट पेजेस हमने बना लिए एंड देन जो जो रिमेनिंग फाइव बिट्स हैं दे विल बी यानी हर पेज का जो साइज है दैट वुड बी थर्ट दैट विल बी एबल टू हर पेज का जो साइज है वो थर्टी टू वर्ड्स का है तो इसका मतलब है कि फाइव बिट्स जो हैं दे विल बी यूज टू एक्सेस विद इन द पेज तो इस तरह से हम बेसिकली जो हायर आर्डर बिट्स हैं दे आर यूज टू लोकेट द पेज और जो लोअर आर्डर बिट्स हैं दे आर यूज्ड

सो अ पेज जो है दैट इज़ अ ब्लॉक ऑफ वर्ड्स ऑक्यूपाइंग कंटीन्यूस एड्रेसेस इन मेमोरी जैसे कि यानी ये पेज होगा इन मेमोरी इट विल बी ऑक्यूपाइंग द स्पेस फ्रॉम ज़ीरो जीरो जीरो टू वन 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 यानी फाइव वन तक हम जाएंगे थर्टी वन स्पेसिस जो हैं वो इस पेज में होंगी एंड देन फ्रॉम थर्टी टू टू सिक्सटी थ्री हमारे पास पेज वन में लोकेशंस होंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पेज इज बेसिकली अ बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज बिटवीन मेमोरी मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यानी पेज जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कि हम एक्सचेंज करेंगे जैसे हम कैश के केस में वी वर एक्सचेंजिंग ब्लॉक्स हम बाइट बाई बाइट डेटा या वर्ड बाई वर्ड ट्रांसफर नहीं कर रहे थे वी वर ट्रांसफरिंग डेटा ब्लॉक बाई ब्लॉक यहां पे हम जो डेटा ट्रांसफर करेंगे दैट दैट विल बी पेज 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 एंड वी नो जो है इज रिलेटिवली लार्जर देन द ब्लॉक ऑब्वियसली मेमोरी जो है वो दैट इज मच लार्जर देन कैश सो वी कैन वी कैन ब्रिंग लार्जर चंक्स ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू पेज का कॉमन साइज है दैट रेंजेस फ्रॉम टू के बी टू सिक्सटीन के बी यानी दो किलो बाइट से सिक्सटीन uh, किलो बाइट्स तक का पेज कॉमनली यूज किए जाते हैं बट दे कैन हैव डिफरेंट साइज एज वेल विंडोज के किसी वर्जन में इफ़ यू हैव सीन समाइम्स तो दे गेव द फ्लेक्सीबिलिटी टू fix your page size by yourself in older variants hume, uh, when we have small memories agar memory small to sometimes in uh, Windows we get a message too many page faults increase the size of uh, वर्चुअल मेमोरी और समथिंग लाइक दैट दिस टाइप ऑफ मैसेजिज एट लीस्ट आई हैव सीन विद द कंप्यूटर्स इन विंडोज इन्वायरमेंट मे बी और वो इट आल्सो सजेस्ट के ट्राई क्लोजिंग सम प्रोग्राम्स सो वट हैपन् दोज केसेज के क्योंकि मेमरी छोटी है और हमें बार बार इन्फॉर्मेशन फ्राम डिस्क की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार हमें पेजेस जो हैं उनको लाना पड़ता है मेमोरी से इनटू सेकेंडरी मेमोरी से इंटू प्राइमरी मेमोरी और आ, वो दैट बेसिकली काजेज़ टू स्लो डाउन द सिस्टम। और सम टाइम द सिस्टम जो है वो इतना स्लो हो जाता है कि इट जो अपने परफॉर्मेंस मेयर्स हैं दे टेल के आप कुछ एप्लीकेशनस को क्लोज कर दें ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाए तो इफ इफ वी हैव अननेसेरी मैनी ओपन प्रोग्राम्स तो वी कैन हैव दिस प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर्स टू स्मॉल मीन्स मच टाइम विल बी स्पेंड इन गेटिंग पेजेस फ्राम द डिस्क यानी अगर हम बहुत स्मॉल पेजेस रखेंगे तो वही प्रॉब्लम जो हमने कैश के केस में डिस्कस की थी कि बार बार हमें हार्ड डिस्क को रेफर करना पड़ेगा और अगर हम बहुत बड़ा यूज कर लें टू लार्ज मीन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पेज मे नॉट बी नीडिड और रेफरेंस्ड यानी पेज का कुछ हिस्सा हमने यूज किया और बाकी सारे का सारा हमने यूज़ भी नहीं किया और उसके बाद हमने जस्ट स्पेस ऑकोपाई कर ली सो पेज साइज को भी उसी तरह से जैसे हम ब्लॉक साइज को ऑप्टीमल रखना चाहते थे पेज साइज शुड ऑल्सो बी ऑफ द ऑप्टीमल साइज प्रोसेसर जनरेट्स वर्चुअल एड्रेसेस, यानी प्रोसेसर जो एड्रेस जनरेट करेगा उसको हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं प्रोसेसर जनरेट्स वर्चुअल एड्रेसेस यानी प्रोसेसर जो एड्रेसेस जनरेट करता है उनको हम वर्चुअल एड्रेस एड्रेस कहते हैं दे आर नाट दे मे नॉट बी ऑन द फिजिकल मेमोरी तो हम बेसिकली वी नीड एन अरेंजमेंट जैसे हमने पहले भी बात किया कि उस वर्चुअल एड्रेस को ट्रांसलेट करने में करने की अरेंजमेंट चाहिए इनटू द फिज़िकल एड्रेस हायर आर्डर बिट्स यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे जो बिट्स हैं जैसा कि हमने यहाँ पे देखा वी आर यूजिंग दिस एट बिट अरेंजमेंट तो वी सा दिस कि ये थ्री बिट्स जो हैं ऑन हायर साइड दे विल टेल वर्चुअल पेज नंबर एंड लोअर बेट्स यानी जैसे पेज नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और जो लोअर बेट्स होंगी दे विल बी टेलिंग एड्रेस विद इन द पेज या जिसको हम ऑफ सेट भी कह सकते हैं ऑफ सेट विद इन द पेज यानी पेज नंबर सो टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन वी विल रेफर टू अ पेज नंबर एंड ऑफ सेट यानी पेज नंबर दिस एंड फाइव लोकेशन फ्रॉम द टॉप इस तरह से हम एड्रेस पे पहुंच सकते हैं या वी कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट दैट एड्रेस इन टू द फिजिकल मेमोरी इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर ईच पेज इज स्टोर्ड इज मेंटेन्ड इन अ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड डेटा स्ट्रक्चर इन मेन मेमोरी कॉल्ड पेज टेबल एक पेज टेबल मेंटेन किया जाता है विच हैज एक पेज टेबल मेंटेन किया जाता है विच हैज बेसिकली द वर्चुअल एड्रेस और उसका कारस्पोंडिंग फिजिकल एड्रेस अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से मेंटेन करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सी इन अ मोमेंट लेट्स जस्ट गो ओवर दिस तो पेज टेबल को हम मेंटेन करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पेज टेबल इज कॉल्ड पेज टेबल बेस रजिस्टर यानी एक रजिस्टर है जिसको कि हम यूज करते हैं उसके अंदर हम इस पेज टेबल का एड्रेस मेंटेन करते हैं एरिया ऑफ द मेन मेमोरी दैट कैन होल्ड अ पेज इज कॉल्ड पेज फ्रेम उस जगह को जहां पे हमने एक पेज रखा हुआ है उसे हम पेज फ्रेम कहते हैं

जो कि पेज टेबल और एड्रेस जन एड्रेस ट्रांसलेशन को या एड्रेस जनरेशन को uh, दिखा रही है एक्चुअली वट वी हैव इज़ के प्रोसेसर से हमारे पास ये एक वर्चुअल एड्रेस आ रहा है विच विल बी मोस्ट लाइकली अगर जो हम जो एग्जाम्पल बात कर रहे हैं उसमें ये 32 टू बिट होगा ये उसी तरह से डिवाइडेड होगा इन पेज नंबर एंड ऑफसेट यानी हायर ऑर्डर जो बिट्स हैं उनको हमने वर्चुअल पेज नंबर कह दिया और लोअर ऑर्डर बिट्स जो हैं उनको ऑफसेट कह दिया यानी एड्रेस विद इन द पेज हेयर वी हैव पेज टेबल बेस रजिस्टर जिसमें के पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस रखा हुआ है अब इसको पेज टेबल एड्रेस बेस रजिस्टर को यूज करके हम वर्चुअल पेज नंबर चेक करते हैं कि यह वर्चुअल पेज नंबर जो है इसका कारस्पॉन्डिंग पेज फ्रेम कहाँ पे है यानी पेज टेबल बेस रजिस्टर प्लस वर्चुअल पेज नंबर इज इक्वल टू सम एंट्री ऑफ द पेज टेबल ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी दिस वन इट माइट बी सम दिस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमने स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द पेज इन मेन मेमोरी हमें यहां से मिला हमने क्या किया पेज टेबल बेस रजिस्टर को वर्चुअल पेज नंबर उसमें ऐड किया एंड वी रीच्ड दिस लोकेशन बेसिकली इन द पेज टेबल इसके अंदर ये जो सेकंड कॉलम है इट हैज द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द पेज जिसको कि हम पेज फ्रेम कहते हैं अब पेज फ्रेम जो है दैट इज क्योंकि हमें बेसिकली व्हाट वी नीड इज वी नीड इसका स्टार्टिंग लोकेशन हमें चाहिए ठीक है ऑफसेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि स्टार्टिंग लोकेशन से हम कहां आगे जाएंगे तो फिजिकली हम इस पेज फ्रेम को कंकैटिनेट कर देते हैं विद द ऑफसेट एंड देन फिजिकल एड्रेस जो है दैट इज जनरेटेड नाउ वी कैन यूज दिस फिजिकल एड्रेस विद आवर फिजिकल मेमोरी टू

फाइव ट्वेल्व मेगा मेगावाइट अगर हो तो इट डिपेंड्स कि हाउ मच मेमोरी डू वी हैव सो दिस इज वे दिस इज द वे कि किस तरह से ये वर्चुअल पेज को हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू फिजिकल पेज दैट इज पेज फ्रेम और उसके साथ हम उसका ऑफसेट को कंकैटिनेट करते हैं एंड देन वी जनरेट द फिजिकल एड्रेस इन द मेन मेमोरी विच मे नॉट बी एज बिग एज लार्ज एज दॉजिकल एड्रेस वॉज़ यानी लॉजिकल एड्रेस तो थर्टी टू बिट है बट फिजिकल एड्रेस मे बी के थर्टी बिट का हो मे बी ट्वेंटी नाइन बिट का हो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बिट हो ट्वेंटी बिट हो सिक्सटीन बिट हो बट अगर डिफरेंस इतना ज़्यादा हो कि सिक्सटीन बिट फिजिकल एड्रेस है तो इसका मतलब है कि द सिस्टम विल बी स्लो पेज टेबल की एंट्रीज में वी आल्सो सी कि ये एक पहले भी एक कॉलम है दिस इज एक्चुअली द कंट्रोल बिट्स कंट्रोल बिट्स जो हैं एक्चुअली इनका मकसद थोड़ा सा इसके स्टेटस को आ, बताना है कि हमने तो पूरे के पूरे प्रोग्राम को या पूरी की पूरी मेमोरी को पेजेस में कन्वर्ट कर लिया बट वेदर दैट पेज इज फिजिकली इन फिजिकल मेमोरी या वो सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है सम बिट सम ऑफ द कंट्रोल बिट बिट्स कैन टेल दिस यानी कोई एक बिट ये बता सकती है कि ये डेटा जो है ये पेज जो है ये इसमें अवेलेबल है या नहीं है देन वेदर द पेज हैज बीन मॉडिफाइड और नॉट यानी जब हम एग्जीक्यूशन uh, करते हैं तो कुछ डेटा को अपडेट भी करते हैं ठीक है ना देट इज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट और इट मे बी फाइनल रिजल्ट तो वो हम मेमोरी में लिख देते हैं तो so, अगर वो हमने उस डेटा को मॉडिफाई कर दिया है तो so ऑब्वियसली जब रिप्लेस करना होगा हमने उस पेज को तो उस पेज को वी विल हैव टू राइट इट बैक इनटू द सेकेंडरी स्टोरेज यानी उस सेकेंडरी स्टोरेज में हमने लिखना है या नहीं लिखना दैट विल बी टेल्ड बाई सम बेट दैट विल बी टोल्ड दैट विल बी टोल्ड फ्रॉम सम बेट के दिस पेज इज मॉडिफाइड और नॉट अगर मॉडिफाई हुआ होगा तो हम उसको मेमोरी uh, में कॉपी करेंगे अगर नहीं हुआ होगा तो वी विल जस्ट ओवर राइट इट क्योंकि हम अननेसेसरी मेमोरी ऑपरेशंस या सेकेंडरी मेमोरी ऑपरेशंस नहीं करना चाहते

कि हम उस जगह पे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते वी आर ट्राइंग टू राइट बट वी डोंट हैव परमिशन फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है जिसको हम रीड तो कर सकते हैं लेकिन उसमें हम राइट नहीं कर सकते तो उससे क्या होगा देर विल बी यानी कोई मैसेजेस आएंगे कि आप यू आर ट्राइंग टू डू सम इीगल ऑपरेशन तो दैट इज समथिंग जो कि कंट्रोल बिट्स जो हैं वो बताएंगे देन पेज टेबल जो है दैट इज यूज बाई मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो पेज टेबल को यूज करता है फॉर एवरी रीड एंड राइट रिक्वेस्ट यानी चाहे उसने रीड करना है चाहे राइट करना है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑब्वियसली विल

तो आइडियली तो बेस्ट पार्ट ये है कि जो जिसने इसको इस्तेमाल करना है ये पेज टेबल उसी के पास हो दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट मस्ट हैव दैट पेज टेबल गुड काम आसान होगा बट जो आसान काम होते हैं जो बेसिकली भले लग रहे होते हैं उनके साथ कुछ इश्यूज भी होते हैं द प्रॉब्लम इसमें यह है कि पेज साइज जो है पेज टेबल का जो साइज है दैट इज ह्यूज और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट चूंकि पार्ट ऑफ द प्रोसेसर है और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है चूंकि पार्ट ऑफ प्रोसेसर है इसलिए वी कैन नॉट हैव मच बिगर स्टोरेज स्पेस विद इन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सो so, आखिर में जो क्या कहते हैं कि कुर्रा जो है वो निकलता है मेन मेमोरी के नाम कि हम इस पेज टेबल को मेन मेमोरी में ही मेंटेन करते हैं यानी इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर हमने वर्चुअल मेमोरी टेबल्स का जिक्र किया था विद इन द मेमोरी कि प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर क्या कुछ होता है जब हम एक प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी टेबल्स का भी जिक्र था सो दट वी रेफर टू एट दैट पोजिशन सो पेज टेबल इज इंप्लीमेंटेड ऑन द मेन मेमोरी मेन मेमोरी पे अगर पेज टेबल चला जाएगा और उसे हमें बार बार एक्सेस करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं आ गई कि दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस मेमोरी को फास्ट करने के लिए तो हमने कैश लगाई थी फास्ट एक्सेस करने के लिए लेकिन अब हर चीज को एक्सेस करने के लिए तो फिर हमें मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट देखना पड़ रहा है तो हम फिर वही काम करते हैं इसके साथ भी जो कैश के लिए जो हमने जो हमने कैश में किया यानी इसका भी एक छोटा सा वर्जन कैश में ले जाते तो, तो

एल बी कहते हैं तो टीएलबी जो है दैट वर्क इन दिमिलर मैनर एज द कैश डज अब ये टीएलबी जो है ये किस तरह से काम कर रहा है जब कैश है तो ऑब्वियसली उसमें हमें मैपिंग फंक्शन यूज करने पड़ते हैं वी कैन हैव डायरेक्ट मैपिंग वी कैन हैव एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग तो नॉर्मली जो टी एल बी है दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव स्कीम प्रोसेसर मस्ट कीप टी एल बी एंड पेज टेबल इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट यानी अब जाहिर है ये चूंकि एक डायनामिक चीज है चेंज होती रहेगी बार बार तो प्रोसेसर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को विल हैव टू मेंटेन कि TLB और जो पेज टेबल है दे आर कंसिस्टेंट यानी दोनों में इंफॉर्मेशन एक ही तरह की है तो बेसिकली इसमें क्या है कि TLB जो है दैट हैज इन पेज टेबल वी हैड बेसिकली बेस रजिस्टर पी टी बी आर यानी पेज टेबल बेस रजिस्टर था यहाँ पे हम पेज टेबल बेस रजिस्टर को ज़ाहिर यूज नहीं कर रहे वी आर डायरेक्ट वी हैव डायरेक्ट मैपिंग बिटवीन वर्चुअल पेज नंबर एंड पेज फ्रेम इन द मेमोरी एंड कंट्रोल बिट्स आर ऑब्वियसली देयर उनकी सिग्निफिकेंस वही है जो वहां पे थी सो फ्रॉम दिस वर्चुअल पेज नंबर वी सी कि इफ इट इज अ हिट और मिस अगर हिट है तो इट मीन्स के वी विल जनरेट द फिजिकल एड्रेस और वी विल एक्सेक्ट दैट डेटा अगर मिस है तो अब हम क्या, हमें क्या करना पड़ेगा पहले हम देखेंगे कि ये वर्चुअल पेज नंबर पे मिस तो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पेज टेबल की वो हिस्सा हमें इसके अंदर लाना पड़ेगा जिसके अंदर के वो वर्चुअल पेज नंबर अवेलेबल है एंड देन वी विल सी के वट इज दें दैट सो दिस वे दिस दिस ट्रांसलेशन लुक अ साइड बफर जो है दैट विल वर्क और दैट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड बेसिकलीसोसिएटिव मैप्ड ट्रांसलेशन लुक साइड बफर हाई ऑर्डर बेट्स ऑफ वर्चुअल एड्रेस जनरेटेड बाई द प्रोसेसर selects the virtual page these bits are compared to the virtual page number in the translation lookaside buffer if there is a match a hit occurs and corresponding address of the page frame is read uh, or offsets concatenate karke we can generate the physical address if there is no match or miss occurs पेज टेबल विद इन द मेन मेमोरी मस्ट बी कंसल्टेड यानी अब जो फिर हमें पेज टेबल के पास जाना पड़ेगा फिजिकल एड्रेस को जनरेट करने के लिए कमर्शियल प्रोसेसर्स यूज सेट एसोसिएटिव मैप्ड ट्रांसलेशन लोकलफर्स नॉर्मली यानी जो स्कीम इसमें यूज हो रही है दैट इज सेट एसोसिएटिव और कैश में भी जैसे मैंने आपको बताया इंटेल के केस में यूज सेट एसोसिएटिव मैपिंग अब बेसिकली होता क्या है हाउ दिस थिंग इज वर्किंग अ पेज फॉल्ट इज सेट टू अकर इफ द प्रोग्राम जनरेट्स एंड एक्सेस टू अ पेज दैट इज नॉट इन द मेमोरी यानी जब हम एक पेज रीड करने की कोशिश करते हैं और वो पेज मेमोरी में ना हो तो हम कहते हैं इट इज अ पेज फॉल्ट यानी रीड मिस या राइट में अगर किया तो हम उसको यहां पे मिस नहीं कहते वी कॉल इट अ पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट केस में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है दैट जनरेट्स एन एक्सेप्शन एक्सेप्शन के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कोर्स के किसी जब इंटरव की बात कर रहे थे एक्सेप्शन मीन्स कि जब हमारे पास एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन होती है जैसे कि के, uh, के केस में डिवाइडेड बाई जीरो के केस में अनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में वी हैव ओवरफ्लोज तो उस केस में वी हैव टू हैव सम एग्जिट स्ट्रेटेजी तो वो एग्जिट स्ट्रेटेजी है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एक्सेप्शन कि अब हमारे पास uh, वो नहीं है वो पेज मेमोरी के अंदर तो अब हमें क्या करना होगा तो मेमोरी मैनेजमेंट जनरेट्स मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है दैट जनरेट्स एक्सेप्शन प्रोसेसिंग ऑफ एक्टिव टास्क इज सस्पेंडेड यानी अब हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए या उस जगह पे हमने लिखना है तो हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते तो वो जो uh, हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे दैट विल स्टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन टू प्ले नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर्स द रिक्वायर्ड पेज टू मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी से जो डाटा है दैट इज ब्रॉड इनटू टू द्वारा कर रहा हूँ यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज से जो डाटा है दैट इज रिटन इनटू टू द मेन मेमोरी जब मेमोरी में आ गया तो इसका मतलब उसको हमने एक्सेस कर सकते हैं अब तो द सस्पेंडेड जो प्रोग्राम है जो प्रोग्राम रुका हुआ था वो अपना कंट्रोल वापस ले लेता है क्योंकि उसके पास अब वो इंफॉर्मेशन आगे गई जो चाहिए थी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है दैट रिमेन्स कंटिन्यूड सिंस सेकेंडरी स्टोरेज इज एक्सेस्ड द पेज ट्रांसफर मे कॉज अ सिग्निफिकेंट डिले सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो काफी स्लो होती है अगर हम उसको मेन मेमोरी के कंपैरिजन uh, में देखें तो भी इट्स इट्स वेरी स्लो तो uh, चूंकि हमें सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करना पड़ता है तो डिले जो है दैट इज सिग्निफिकेंट यानी इस केस में मिस पेनल्टी जो हम कैश में कह रहे थे दैट इज मोर a page has to be brought in the memory main memory from the disk but if main memory is full an approach similar to cache implementation can be used cache. <laughs> principle of local locality of reference प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कैन बी अप्लाइड हियर अगेन क्योंकि एग्जीक्यूशन तो उसी तरीके से हो रही है चाहे हम कैश यूज कर रहे हैं चाहे हम वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो मोस्ट uh, हमें सुटेबल लगती है दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज एल्कोरिदम लीस्ट रिसेंटली यूज एल्कोरिदम को हम यूज कर सकते हैं पेज मे बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग इट्स स्टे इन मेन मेमरी अब अगेन जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ मेमोरी कुछ डाटा इज मॉडिफाइड अब वो पेज अगर मॉडिफाई हुआ है तो इसको हम और हम ऐसे पेज को जो मॉडिफाइड है रिप्लेस करना चाहेंगे तो क्या होगा कैन वी यूज राइट बैक प्रोटोकॉल ओवर हियर द क्वेश्चन इज के राइट बैक प्रोटोकॉल जो है वट डज दैट डू राइट बैक प्रोटोकॉल जो है वो यानी दोनों जगहों पर एट ए टाइम लिखेगा यानी कैश के केस में इट वॉज राइटिंग इन द कैश एंड इन द मेमरी तो वर्चुअल मेमरी के केस में इट विल राइट इन द मेमरी एंड इन द सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज स्लो है हम तो स्पीड गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं तो राइट थ्रू प्रोटोकॉल जो है दैट लुक्स मोर सुटेबल राइट बैक प्रोटोकॉल जो है वो स्लो डाउन कर देगा सिस्टम को राइट थ्रू प्रोटोकॉल क्या करेगा कि हम उसी तरह से बिट्स यूज करेंगे बिट विल टेल कि वेदर दिस पेज हैज बिन मॉडिफाइड और नॉट अगर मॉडिफाइड हुआ है तो इसको कॉपी बैक करेंगे इन टू द मेमोरी इफ इट इज नॉट मॉडिफाइड वी विल जस्ट ओवर राइट द न्यू ब्लॉक न्यू पेज ऑन दैट लोकेशन सो दिस इज द वे जो वर्चुअल मेमोरी है दैट वर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफरिंग द प्रोग्राम एंड डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस डाटा ट्रांसफर को या प्रोग्राम ट्रांसफर को या इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर को इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पांसिबिलिटी है प्रोग्राम डज नाट डू इट इट्स ओ एस रूटीन आल्सो ऑकोपाई समर्चुअल स्पेस कॉल्ड सिस्टम स्पेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी रूटीन हमने शुरू में देखा कि दे ऑल्सो हैव समीशन जी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड अदर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दे आर ऑल्सो देअर एप्लीकेशन प्रोग्राम आकोपाइज एन अदर पार्ट ऑफ द स्पेस दैट का दैट इज कॉल्ड यूजर स्पेस यानी सिस्टम स्पेस और यूजर स्पेस को सेपरेट कर दिया जाता है हम कहते हैं कि सिस्टम स्पेस अलग है और यूजर स्पेस जो है वो अलग है तो प्रोसेसर जो है दैट इज बेसिकली यूज बोथ द स्टेट्स विच आर सुपरवाइजर स्टेट एंड यूजर स्टेट यानी या इसको हम सुपरवाइजर मोड कह सकते हैं और यूज़र मोड कह सकते हैं सुपरवाइजर मोड या सुपर सुपरवाइजर स्टेट जो होगी उसमें वी विल बी यूजिंग सिस्टम स्पेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी uh, मेमोरी का पार्ट है दैट कैन बी यूज बट इन यूजर वी कैन ओनली यूज द यूजर स्पेस जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास ज्यादा प्रिविलेजेस होती हैं इट कैन यूज द यूजर स्पेस एज वेल इन सुपरवाइजर स्टेट यानी जब हम सुपरवाइजर मोड में रन कर रहे ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन आर एग्जीक्यूटेड इन यूजर स्टेट या यूजर मोड यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड यानी दूसरे प्रोग्राम जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं या एनी सच प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट करेगा कर तो दैट वुड बी यूजर स्टेट सर्टन प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन यूजर स्टेट यानी कुछ प्रिवलेज इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज लिकिन नॉट ऑल जैसे कि हम कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं जैसे इफ वी हैव टू प्रिंट फ्रॉम द प्रोग्राम तो हम ऑपरेटिंग uh, सिस्टम की रूटीन को कॉल कर लेते हैं इट प्रवेंट्स एक्सेस ऑफ द अदर यूजर्स अदर्स यूजर स्पेस यानी हम जब इस तरह से अथॉरिटीज दे देते हैं कि आपके पास ये काम करने की अथॉरिटी है ये नहीं है यू हैव परमिशन टू डू दिस एंड यू आर नॉट यू आर नॉट परमिटेड टू डू द सेकेंड थिंग तो दैट इज समथिंग जो प्रिवेंट्स द एक्सेस ऑफ द अदर्ज यूजर स्पेस

मेन मेमोरी द डिफरेंस वॉज के जो मेन मेमोरी है जो वर्चुअल मेमोरी है दैट इज मोस्टली इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टमेजमेंट करता है और कैश जो है दैट इज इंप्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एंड टूडे मेनली वी डिस्कस्ड एड्रेस ट्रांसलेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह से होती है के हायर आर्डर बिट्स जो हैं दे आर दे आर यूज फॉर हैविंग द पेज नंबर्स पेजेस आर द कंटिन्यूस मेमरी स्पेस जो कि बिगर इन साइज है एज कंपेयर टू ब्लॉक्स। और जो ब्लॉक्स हैं दे आर स्मॉलर साइज और पेज हैं बिगर साइज के हैं एंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यानी लोअर ऑर्डर बिट्स हैं दे आर यूज फॉर द ऑफसेट हम पेज टेबल्स मेंटेन करते हैं विच है विच इज विच स्टार्ट एट एन एड्रेस विच इज प्लेस्ड इन पेज टेबल बेस एड्रेस रजिस्टर वर्चुअल जो प्रोसेसर जनरेट करता है उनको हम वर्चुअल एड्रेसेस कहते हैं वर्चुअल एड्रेस का जो वर्चुअल पेज नंबर है उसको हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम द पेज टेबल और वेयर उसका जो कारस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस है उसको वी कंकैटिनेट विद द ऑफसेट और वी जनरेट द फिजिकल एड्रेस एंड वी सा हमें इस पेज टेबल को कहाँ रखना चाहिए पेज टेबल जो है दैट हैज एन आइडियल लोकेशन इन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बट सिंस एम एम यू इज विद इन द प्रोसेसर तो प्रोसेसर में हम इतनी ज्यादा मेमरी नहीं रख सकते क्योंकि पेज टेबल आर ह्यूज सो पेज टेबल जो है दैट इज इंप्लीमेंटेड इन मेन मेमोरी बट जो काम हम कैश से करते हैं वही हम यानी इसकी भी कैश थोड़ी सी एज ए ट्रांसलेशन बुक अ साइड बफर हम इंप्लीमेंट कर देते हैं विद इन एम एम यू विच यूज एक्चुअली सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक और uh, हम इनिशियली हम चेक करते हैं फ्राम द टी एल बी ट्रांस ट्रांसलेशन लुक साइड बफर वर्चुअल पेज नंबर से कारस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस देखते हैं अगर वो हमें वहाँ से नहीं मिलता तो वही कांटेक्ट पेज टेबल वी ऑल्सो सा के देर आर कंट्रोल बिट्स जो हर कि हर पेज का स्टेटस बताती हैं कि पेज जो है वो मेमोरी में है या नहीं है क्या इसको मॉडिफाई तो नहीं किया गया इसकी रीड परमिशंस हैं इसकी राइट परमिशंस हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फिर हमने पेज फॉल्ट की बात की कि अगर एक आ, हम मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं बट दैट पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेमोरी, देन वी से पेज फॉल्ट हैज अकर्ड और पेज फॉल्ट केस में वट वी डू के जो मेमोरी है दैट द पेज है दैट हैज टू बी ब्रांड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू द मेन मेमोरी और मेन मेमोरी में अगर स्पेस होगी इट विल बी कॉपीड, अगर वो ऑलरेडी फिल्ड है तो वी विल हैव टू रिप्लेस अ अ पेज पेज और उस पेज को अगर वो मॉडिफाइड है तो हम तो उसको थ्रू राइट बैक प्रोटोकॉल हम सेकेंडरी uh, स्टोरेज में भी कॉपी कर देते हैं एंड देन वी ओवर राइट द न्यू पेज ऑन दैट लोकेशन इफ इट इज नॉट मॉडिफाइड सिंपली दैट पेज विल बी ओवर रिटर्न एंड देन वी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ पार्ट मेमरी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ पार्ट मेमरी में मौजूद होता है तो हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको सुपरवाइजर मोड कहते हैं या सुपरवाइजर स्टेट कहते हैं और अगर हम जो इसकी है यूज़र प्रोग्राम यूज़ कर रहे हों तो वी कॉल इट यूज़र स्पेस। दिस वी डू के हम किसी दूसरे यूज़र की स्पेस में इंटरफियर ना कर सकें यानी परमिशंस लेवल जो है दे आर असाइंड के who can modify something or use read something or write in particular area uh, that is also done in uh, uh, by the operating system actually so this basically concludes uh, virtual memory and essentially the memory systems jinko ke humne abhi discuss kiya memories may we talked about the memories, any yani, uh, SD RAMs, static RAMs, dynamic RAMs, dynamic RAMs ki types, read only memories, ki baat ki, and then we talked about cache memory, and finally, uh, we discussed this virtual memory. So, this concludes the chapter of uh, memories. सेकेंडरी uh, स्टोरेज जो है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कोर्स आल दो के उसको भी यहाँ पे कवर किया जा सकता है बट सिंस इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि दैट इज़ रिलेटेड टू डाटा कम्युनिकेशन एक्चुअली यानी कंप्यूटर्स जो हैं वो हाउ डू दे कम्युनिकेट वाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स और उसमें जो एरर करेक्टिंग की क्या कैपेबिलिटीज हैं एरर्स को किस तरह से हम देखते हैं दैट इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन अदरवाइज डाटा कम्युनिकेशन इज होल सब्जेक्ट एंड कैन बी रेड एज फुल कोर्स एट दिस लेवल सो इट्स अल्लाह हाफिज फॉर टुडे वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अल्लाह